लालू जी के राज में अपराधी रात में लूट करते थे गन लगाकर, और नीतीश जी के राज में अधिकारी लूट रहे हैं दिन में कलम लगाकर। उन्होंने तुलना की कि लालू जी के राज और नीतीश जी के राज में क्या फर्क और समानता है, क्या अपराध से लोग परेशान थे, यहाँ लोग अधिकारियों से परेशान। कोई ऐसा स्कीम नहीं है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसमें अधिकारियों के मनमानेपन से समाज के लोग परेशान हैं। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को अपने निशाने पर लिया है। लोगों को ये कह दिया है कि इन दोनों के राज में ही बिहार बर्बाद हो गया। नमस्कार, आप हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं, मेरा नाम निशा ओझा है। प्रशांत किशोर ने पिछले दिनों ये ऐलान किया कि जन सुराज नाम की एक पार्टी बिहार में कदम रखने जा रही, और इस पार्टी के माध्यम से वो बिहार के उन तमाम लोगों तक पहुँचेंगे जिनको बिहार को बेहतर बनाना है। इसी कड़ी में वो बिहार के गोपालगंज पहुँचे थे, जहाँ पहुंचकर उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत की। इस बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव के राज में बिहार अपराधी और अपराध से परेशान था, लेकिन नीतीश कुमार के राज में अधिकारियों से परेशान था। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इन दोनों ने ही बिहार को बर्बाद किया है। बिहार में सत्ता पर बैठने वाले भले ही बदल गए, लेकिन बिहार की दिशा नहीं बदली और न ही दशा बदली। बता दें, इसको लेकर के प्रशांत किशोर लगातार लोगों से मिल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बिहार के लोगों को अब एक अच्छे ऑप्शन की जरूरत है, और फिलहाल वो यही कर रहे हैं। एक सज्जन से किसी ने पूछा, आपके जैसे किसी सज्जन ने पूछा कि लालू जी और नीतीश जी के राज में क्या फर्क है, तो उसने बहुत अच्छा अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बताया कि दोनों में कोई फर्क नहीं है। लालू जी के राज में अपराधी लूट रहे थे, नीतीश जी के राज में अधिकारी लूट रहे हैं। लालू जी के राज में अपराधी रात में लूट करते थे गन लगाकर, और नीतीश जी के राज में अधिकारी लूट रहे हैं दिन में कलम लगाकर। लालू जी के राज में अधिकारियों के अपराधियों के मन से सरकार का डर खत्म हो गया था, नीतीश जी के राज में अफसरों के मन से सरकार का डर खत्म हो गया है, और इसीलिए दोनों के राज में जनता का हजामत बन रहा है। जो सज्जन ये आंसर दे रहे थे वो एक सैलून चलाते थे, तो उन्होंने अपने शब्दों में ये बताया, मैं उसको कोट कर रहा हूं। उन्होंने तुलना की कि लालू जी के राज और नीतीश जी के राज में क्या फर्क और समानता है, वहां सब अपराधी कर रहा था या अपराध से लोग परेशान थे, यहाँ लोग अधिकारियों से परेशान। आपको खुद का भी अनुभव होगा, कोई ऐसा स्कीम नहीं है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसमें अधिकारियों के मनमानेपन से समाज के लोग परेशान नहीं है। आपने सुना किस तरीके से प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों को अपने निशाने पर लिया। बहरहाल, आप तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ यूं ही बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।